हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का क्रैश कोर्स देख चुके हैं, जो कि 40 मिनट की वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप सबने वो वीडियो देख ली होगी, काफ़ी पसंद आई होगी और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल और प्रिसाइज वे में वहाँ पे मैंने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स को समझाया है। तो अगर जिन्होंने अभी नहीं देखी है तो वो भी देख लें पहले वहाँ पे वीडियो। उसके बाद मैंने पार्टीशन फंक्शन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, जो कि CSIR नेट में पूछे गए थे। आज हम लोग देख रहे हैं गेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि पार्टीशन फंक्शन पे बेस्ड हैं। और जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कन्फाइंड इन अ 100 ml फ्लास्क एट 298 केल्विन। उन्होंने क्या पूछा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू पूछी है और उसका वॉल्यूम कितना है, 100 ml फ्लास्क में लिया है 298 केल्विन पे। मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का पूछ रहे हैं और ये गेट 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा कल हम लोगों ने अपने नेट के क्वेश्चन भी देखा हुआ था, सेम क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे बस, बाकी फॉर्मूला सब सेम लगना है और जो कि हम लोगों ने ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन का पढ़ा हुआ था। तो देखिए वॉल्यूम कितना दे रहे हैं, 100 ml। अब 100 ml में 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cm³। तो 100 ml को हम लोग 100 cm³ लिख सकते हैं। अब हम लोगों को सेंटीमीटर क्यूब से जब मीटर क्यूब में जाना होता है तो 1 cm³ इज इक्वल टू 10⁻⁶ m³ होते हैं। तो 100 cm³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ m³। टेम्परेचर 298 केल्विन है, मॉलिकुलर वेट है, मास इन किलोग्राम कितना हो जाएगा, 2.06 इंटू 1.66 इंटू 10⁻²⁷। सो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का किलोग्राम में वेट होगा वो 3.346 इंटू 10⁻²⁷ किलोग्राम हो जाएगा। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों को पता है 6.26 इंटू 10⁻¹⁴ जूल सेकंड होती है और बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻²³ जूल पर केल्विन पर मोल होती है। तो अब यहां से हम लोगों ने क्यू ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला लगा दिया है। क्या किया है, क्यू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा क्यूब। सबसे पहले हम लोग लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2πmkt होता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि एक अगर हम लोगों को ये वैल्यू याद है तो एग्जाम हॉल में हम लोगों का टाइम बच जाता है। सो एच अपॉन अंडर रूट 2πk की वैल्यू होती है 7.12 इंटू 10⁻²³। अब बच रहा है 1 अपॉन अंडर रूट m इंटू टी। सो m की वैल्यू 3.346 इंटू 10⁻²⁷ है, टेम्परेचर 298 है। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू 9.93 इंटू 10⁻³ आएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.717 इंटू 10⁻¹⁰। तो लैम्डा को अब इसका एक पावर 10⁻¹⁰ है, 10⁻¹⁰ में लेके जाएंगे तो ये 7.17 इंटू 10⁻¹⁰ हो जाएगा। लैम्डा क्यू हमारे फॉर्मूला में क्या आता है, लैम्डा क्यूब आता है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्यू ट्रांसलेशनल क्या है, वी अपॉन लैम्डा क्यूब है ना, तो हमने लैम्डा क्यूब ही कैलकुलेट कर लिया, जो कि वैल्यू आ रही है 368.6 इंटू 10⁻³⁰। अब क्यू ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला लगा दिया, वी अपॉन लैम्डा क्यूब, वी हम लोगों के पास है 10⁻⁴ m³। लैम्डा क्यूब की वैल्यू 368.6 इंटू 10⁻³⁰ आया, तो क्यू ट्रांसलेशनल आ गया 0.0027 इंटू 10⁻²⁹। तो क्यू ट्रांसलेशनल कितना आ गया, 2.7 इंटू 10⁻²⁶। इसके आसपास वैल्यू कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन फॉर अ मॉलिक्यूल विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन बाय। ये गेट 2005 का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने मेरे क्रैश कोर्स वाली वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का आप लोग तुरंत आंसर बता सकते हैं कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन, वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन विद जीरो पॉइंट एनर्जी कितनी होती है। और हम लोगों ने वहाँ पे भी देखा हुआ था वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन
विदाउट जीरो पॉइंट एनर्जी और वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन विद जीरो पॉइंट एनर्जी। तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, जब कुछ भी ना कहें वो कि कौन सी एनर्जी हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो वहां पे हम लोग विद जीरो पॉइंट एनर्जी कंसीडर करेंगे। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं, एज्यूमिंग हाइड्रोजन एंड HD, मतलब हाइड्रोजन है और ये ड्यूटीरियम है, ये भी मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल लेंथ्स, इनकी लेंथ कैसी है आपस में इक्वल है। द रेशियो ऑफ द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर अबव 100 केल्विन, मतलब 100 केल्विन के ऊपर। सीधी सी बात, उन्होंने क्या पूछा है हम लोगों से, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन का रेशियो पूछा है। अब रेडियो इसमें जो रेशियो है, सो हम लोगों को पता है क्यू रोटेशनल की वैल्यू कितनी होती है, यानी पार्टीशन फंक्शन जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है टी अपॉन सिग्मा थीटा आर। अब यहाँ पे देखिए, टी की वैल्यू सेम रखेंगे, सिग्मा की वैल्यू सेम रखेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे सिग्मा, तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो आ जाएगी, देखिए देखो थीटा बी एच सी अपॉन के हो गया, बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई देखिए थीटा बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आई म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब यहां से एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि क्यू और क्यू एच टू और रिड्यूस्ड मास, जो कि क्यू है हमारे पास और रिड्यूस्ड मास में क्या रिलेशन होता है, उसमें ये रिलेशन होता है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अब जब हम लोगों ने रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला लगा दिया तो यहाँ से म्यू एच टू आ गया 1/2 और म्यू एच डी कितना आ गया 2/3, ठीक है। तो अब यहां से QH2 और QHD की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा डिफर कर रहा है, H2 की वैल्यू कितनी है, H2 है ये होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक है और HD ये हेट्रोन्यूक्लियर डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है। लेकिन यहाँ पे देखिए इक्वल लेंथ्स कह रहे हैं, अरेंजमेंट हम लोगों को नहीं देखना है, इक्वल लेंथ्स कह रहे हैं। तो यहाँ से म्यू एच टू अपॉन म्यू एच डी लगा देंगे, बस 1/2 और 2/3 से जो आंसर आ जाएगा वो 3/4 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है 14। द मॉलिकुलर पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय, क्वेश्चन कह रहे हैं ये पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू है KBT अपॉन SC की पावर 3/2 8π³ MK। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा और फिर देखिए क्या पूछ रहे हैं वो, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर दिस सिस्टम इज 3R 6R 9R by 2 एंड 3R by 2। तो देख और देखिए हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV होता है, CV इज इक्वल टू होता है DU/DT, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब हम लोग इंटरनल एनर्जी का जब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तब हम लोगों को CV मिलता है। अब CV आए कैसे, तो CV के लिए U की जरूरत पड़ेगी, U हमारे पास क्या है इंटरनल एनर्जी, और हम लोगों को रिलेशन पता है इंटरनल एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन में। सो क्या है रिलेशन, यू इज इक्वल टू NkT स्क्वायर D/dt ln Q, क्यू है पार्टीशन फंक्शन। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो हमारे पास ये इक्वेशन है क्यू वाली, इसमें हम लोगों ने दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया, लॉग ले लिया इधर। अब यहाँ पे जो पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉग के, तो देखिए यहाँ पे KB अपॉन HC कांस्टेंट है तो इसको एक साथ लिख लिया, टी को हम लोगों ने साथ में, ये मल्टीप्लिकेशन में है इतना पार्ट और ये टी है मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में आ जाते हैं। सेम यहाँ पे 8π³ MkB अपॉन H² इंटू टी लिखा, तो ये भी एक कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लिया, LNT को अलग कर लिया। तो जो जब हम लोगों ने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो कांस्टेंट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो हो गया,
और एल एन टी का वन अपॉन टी हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसका जीरो हो गया, एल एन टी का वन अपॉन टी हो गया, तो ये टू बाई टी हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया, यहाँ से डी अपॉन डी टी एल एन क्यू की वैल्यू कितनी आई, थ्री बाई टी। बस u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एन के टी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई थ्री बाई टी, तो t से t कैंसिल हो गया, थ्री एन के टी आ गया। एन के की वैल्यू क्या होती है फॉर वन मोल आइडियल गैस, r होती है, तो सी वी, बस तो u की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आर टी आ गई, सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी लगा दिया, तो सी वी की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री आर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, द 19वां क्वेश्चन है, द रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल विद एनर्जी लेवल करेस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू जीरो एंड वन इज, तो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स हम लोगों के लिए क्या दे रहे हैं, जे इक्वल टू जीरो और जे इक्वल टू वन कह रहे हैं। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, जे इक्वल टू जीरो का मतलब है पार्टिकल क्या है, ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, तो e टू दी पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ये वन हो गई, बाकी आगे हम लोग जो देखेंगे वो दे। तो अब यहाँ से देखिए q क्या है, q जो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू होती है, रोटेशन पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू, वो जी जे ई टू दी पावर माइनस बीटा बी एच सी जे जे प्लस वन होती है, और जी जे क्या होता है उसकी डीजेनरेसी, डीजेनरेसी हम वो हम लोग टू जे प्लस वन से लिखते हैं, इसको एज इट इज लिख दिया। अब हम लोगों को पता है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है, तो ई टू दी पावर जीरो की वैल्यू वन, और यहाँ से टू इंटू जीरो प्लस वन वन हो गया, और यहाँ पे भी टू जे प्लस वन जब अप्लाई करेंगे तो टू इंटू वन प्लस वन यानी थ्री आ गया, और ई टू दी पावर माइनस बीटा बी एच सी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीटा देखिए ये 2j प्लस 1 से कितना आ गया, 3 आ गया, e टू दी पावर माइनस बीटा बी एच सी से कितना आ गया, ये माइनस का 2 बीटा बी एच सी, और इतने पार्ट को उन्होंने कांस्टेंट कह दिया, तो ये एप्सिलॉन लिखा, तो आंसर कितना आ गया, q इज इक्वल टू 1 प्लस 3 e टू दी पावर माइनस 2 सिग्मा। तो अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में आपको क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.